अगर आप भी दोस्तों बहुत ही डेंजर मॉन्स्टर मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें बेहतरीन हॉरर फिल्मों से लेकर बेहतरीन थ्रिलर तक, और यह जानना मुश्किल हो सकता है कि आप कौन सी फिल्म आपके समय के लायक है, तो आपके लिए यह 10 बेस्ट मॉन्स्टर मूवीज हैं ऑफ ऑल टाइम, जिसे एक बार आप जरूर देखिएगा। नंबर 10 पर मूवी है दी मिस्ट, 2008 में रिलीज हुई थी। स्टीफन किंग के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित और फ्रैंक डाराबोंट द्वारा निर्देशित दी मिस्ट को इसके दर्दनाक अंतिम अभिनय के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जो अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म अंत में से एक है। दुनिया पर कब्जा करने के लिए कोई भव्य साजिश नहीं है, कोई योजना नहीं है, बस तनाव में धीमी गति से वृद्धि हुई है, क्योंकि एक सुपर मार्केट में अजनबियों के एक समूह को जाल में फंसाया गया है। हम मुश्किल से जिंदा रहने के लिए लड़ाई देख सकते हैं, अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वही नंबर 9 पर मूवी है ट्रोल हंटर, 2010 में रिलीज हुई थी। ब्लेयर विच का मजाकिया चचेरा भाई ट्रोल हंटर छात्रों के एक समूह की कहानी बताता है, जो यह जानकर भयभीत हो जाते हैं कि नॉर्वेजियन लोक कथाओं के आदमखोर ट्रोल असली हैं। देशक आंद्रे एव रेडल का नकली प्रारूप का चतुर उपयोग और हाल वर्ल्ड ब्रिगन का चतुर कैमरा वर्क ट्रोल हंटर को कारण कॉमेडी सिक्के के डरावने पक्ष पर रखता है। हालांकि जैसा एक राक्षस फिल्म के लिए उपयुक्त है, शो के असली सितारे ट्रोल हैं। ओब रेडल और अवधारणा कलाकार निकोलाई लोकोट्स द्वारा डिजाइन किए गए थे। अजीब तरह से आकर्षक लेकिन विचित्र दिग्गज ऐसा दिखते हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो, जैसे कि वे ब्रदर ग्रिम परी कथा से बाहर निकल रहे हैं। अब आगे क्या होता है आपको मूवी में देखने से पता चलेगा। और वही नंबर 8 पर है दी लिटिल शॉप ऑफ हॉरर, 1986 में रिलीज हुई थी। एक दिलकश और विभत्स संगीतमय दी लिटिल शॉप ऑफ हॉरर्स यह साबित करता है कि राक्षस फिल्मों को महान बनने के लिए नीरस होना जरूरी नहीं है। लिटिल शॉप का जीवंत आकर्षण और अविस्मरणीय दुनिया डेंटिस्टा एक बायोपी है और सबसे सनकी को भी मंत्रमुग्ध करने में सक्षम है। एक आदमी इतना प्यारा है कि आप लगभग भूल जाते हैं कि वह एक हत्यारा है, जो अपने शिकार को एक विदेशी पौधे को खिलाता है, जो विश्व प्रभुत्व की योजना बना रहा है। अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा। वही नंबर 7 पर है ट्रेमोर्स, 1990 में रिलीज हुई थी। स्वादिष्ट रूप से आत्म जागरूक और रंगीन पात्रों की विशेषता वाला ट्रेमर्स 50 के दशक की प्राणी विशेषताओं के लिए एक प्रेम पत्र के रूप में कार्य करता है। हालांकि यह निश्चित रूप से डरावनी होने की तुलना में अधिक मजेदार है। और वही यह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ हॉरर कॉमेडी में से एक है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह रोमांचकारी नहीं है। निर्देशक रोन अंडरवुड ने हमें कीड़े की आंख देकर ठंडक को शांत करने में बहुत अच्छा काम किया। अंततः जानवरों को उनकी घिनौनी महिमा में प्रकट करने से पहले ग्रे बॉयड के दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों का दृश्य, जो बहुत ही देखने लायक है, यह बहुत ही बेस्ट मूवी है। नंबर 6 पर है दी ब्लॉब, 1988 में रिलीज हुई थी। यह फीकी प्रशंसा की तरह लग सकता है, लेकिन दर्शक जैक रसल अपने मुख्य पात्रों को लगातार कुछ सबसे दर्दनाक तरीकों से मारकर आतंक का माहौल बनाए रखने का शानदार काम करते हैं। पटकथा जिसे रसल और फ्रेंड डाराबोंट ने सह लिखा था भी विश्वसनीय रूप से विध्वंसक है। फिल्म प्रशंसकों को मूल बलाब के साथ पूरी तरह से गलत फुट वाले दर्शकों के परिचित होने का पूरा फायदा उठाती है। और वहीं नंबर 5 पर है दी फ्लाई, 1986 में रिलीज हुई थी। किसी फिल्म को तब तक चिपचिपा कहना अजीब होगा जब तक कि वह डेविड कोर्नबर्ग द्वारा नहीं बनाई गई हो, ऐसे स्थिति में यह पूरी तरह से उचित हो जाता है। जेफ गोल्ड बलम ने टाइटैनिक फ्लाई की भूमिका निभाई है। हालांकि शुरुआत में वह टेलीपोर्टेशन पर काम करने वाले एक सेना वृन्नित वैज्ञानिक सेठ बुंडल है। एक रात नशे में धुत होकर सेठ ने सफलतापूर्वक खुद को टेलीपोर्ट किया है और अपने डीएनए को एक मक्खी के डीएनए के साथ मिला दिया। इसके बाद जो होता हुआ सिनेमा इतिहास में सबसे दर्दनाक परिवर्तनों में से एक है। और हम दर्शक दुनिया के सबसे अजीब दृश्य रतिकों की तरह बुंडल के प्रत्यक्ष दृश्य को देखते हैं कि मक्खी का डीएनए उसके शरीर को विकृत कर देता है, जिससे वह अपनी मानवता खो देता है। खूबसूरती से विचित्र और दिल दहला देने वाली दुखद दी फ्लाई यकीनन कोर्नबर्ग और गोल्डबर्म की सबसे महान फिल्म है। अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वही नंबर 4 पर मूवी है जोश, 1975 में रिलीज हुई थी। वह फिल्म जिसने स्टीवन स्पीलबर्ग को घर घर में मशहूर बना दिया। जोश एक आदमखोर शार्क के बारे में एक भयानक थ्रिलर है, जो गर्मियों की छुट्टियों का मौसम शुरू होने के साथ ही एक रटिया शहर को आतंकित कर देती है। यह उनका काम था जिसने स्पीलबर्ग को सार्क की उपस्थिति को छेड़ने और फिल्म के विस्फोटक चरमोत्कर्ष तक तनाव पैदा करने की अनुमति दी, जब भूखा जानवर अंततः अपने क्लोजअप के लिए सामने आता है। अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा।
और वहीं नंबर दो पर है किंग कांग 1993 में रिलीज हुई थी। बेचारा किंग कांग, उन्होंने बड़े पर्दे पर गार्जिला को 2 दशकों से अधिक समय तक हारा है, लेकिन वह अक्सर अपने दुर्बल प्रतिद्वंदी के सामने दूसरे केले की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि निर्देशक मोरियन सी क्रूपर और अर्नेस्ट बी सोएड सैक ने पहले कंप्यूटर के आविष्कार से 12 साल से अधिक समय पहले कोंग को जीवंत बनाने के लिए काम किया था। परिणाम स्वरूप किंग कांग को एक मंच जादूगर की तुलना में अधिक कर्तव्य दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसमें आश्चर्यजनक स्टॉप मोशन, सुंदर मैट पेंटिंग और अद्भुत लघु कार्य का उपयोग शामिल है। यह सब हमें विश्वास दिलाने के प्रयास में है कि एक विशाल वानर बीच में चल रहा है। अब आगे क्या होता है आपको मूवी देखने से पता चलेगा। बहुत ही बेस्ट मॉन्स्टर मूवीज है। वहीं नंबर दो पर है दी थिंग 1982 में रिलीज हुई थी। जॉन डब्ल्यू कैंप बेल जूनियर की लघु कहानी हु गोज देयर का एक भयानक और विचित्र पुनर्कथन द थिंग अब तक की बनी सबसे तनावपूर्ण और सबसे मनोरंजक मॉन्स्टर फिल्मों में से एक है। 80 के दशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक का तो जिक्र ही नहीं। जॉन कारपेंटर द्वारा निर्देशित यह फिल्म अंटार्कटिक बेस में वैज्ञानिकों के एक समूह की कहानी है, जिन्हें एक आकार बदलने वाले एलियन से लड़ना है जो उनके रैंक में घुसपैठ कर चुका है। इसके अजीब अधिकार के बावजूद कारपेंटर डेन कुंडी की शानदार सिनेमेटोग्राफी। हालांकि दी थिंग की सफलता का असली राज एनियो मोरिकोन के खूबसूरत क्रूर स्कोर की दिल की धड़कन जैसी तेज आवाज जो द्वारा बनाया गया दमनकारी माहौल है। अब आगे क्या होता आपको मूवी देखने से पता चलेगा। और वहीं नंबर वन पर सबसे बेस्ट मॉन्स्टर मूवी जब गोडजिला 1954 में आई थी और इसके बहुत सारे पार्ट अब आ चुके हैं। सुनो, हम कोंग को उतना ही प्यार करते हैं जितना अगली फिल्म के प्रशंसक को, लेकिन राजस्व का राजा केवल एक ही हो सकता है और वह है गोडजिला। तो जबकि आप इस लिस्ट में लगभग किसी भी महान छिपकली की फिल्म को रख सकते थे, रोलैंड एमेरिच को छोड़कर स्पष्ट कारणों से हमने उसे चुनने का फैसला किया जिसने यह सब शुरू किया और हमें कायजू शैली गोडजिला 54 दी। परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में आश्चर्यजनक रूप से गहरे दृष्टांत के साथ गोडजिला पॉप संस्कृति का प्रतीक बन गया है। फिल्म की अस्थायी विरासत का एक बड़ा हिस्सा गोडजिला के डिजाइन की सुंदरता है, जो एक ही समय में भयानक और आकर्षक के बीच की बारीक रेखा पर चलने का प्रबंधन करता है, जो बहुत ही बेस्ट मॉन्स्टर मूवीज है। तो दोस्तों, ऐसा ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।